हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आईसीटी एसएम ट्रेड यानी कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड है, इसका जो फर्स्ट सेम है उसका मॉड्यूल 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके जो क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज भारतीय स्किल के ऊपर उपलब्ध हैं उनको आज अपन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीडीटी स्विचेस। जो डीपीडीटी यहाँ पे है टर्म्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ड्यूअल फेस ड्यूअल थ्रो, डबल पोल डायरेक्ट थ्रो, डायरेक्ट पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डबल पोल डबल थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ अब्रीवेशन एसपीडीटी यूज इन स्विचेस, यानी कि जो SBDT है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए सिंगल फेस ड्यूअल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो और शेयर्ड पोल डबल थ्रो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंगल पोल डबल थ्रो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंगल पोल डबल थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो उस उपकरण का नाम बताना है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है। तो क्या टेस्टर से अपन, माइक्रोमीटर से और वर्नियर कैलिपर या मीटर, इनमें से अपन किसकी मदद से अपन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, यानी मीटर किसी भी टाइप का हो लेकिन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी कुछ भी हो, इसने ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया है, तो अपन किसके थ्रू मेजर करते हैं, मीटर के थ्रू। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज द वैल्यू ऑफ ईच डिविजन मार्क्ड बाई नंबर्स ऑन द वोल्ट मीटर। तो ये जो वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा है, इसमें जो प्रत्येक जो डिविजन है इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे अपन को बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 8 से 10। तो यहाँ पे इस डिविजन का निकालना है, तो यहाँ पे हर एक में 2 का डिफरेंस अपन को मिल रहा है। तो इसका जो क्राइटेरिया है एक डिवीजन के बीच में वो है 2 वोल्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच मीटर यूज अ मूविंग कॉइल फॉर अ मेजरमेंट, यानी कौन से मीटर के अंदर मूविंग कॉइल को यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है PMCC मीटर, यानी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर, यानी डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करने का एडवांटेज क्या है। तो ऑप्शन ए एक्यूरेसी, लाइनर स्केल, नॉन लाइनर स्केल और लॉगरिथमिक स्केल। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्यूरेसी, यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर को यूज करने से अपनी शुद्धता बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है गैलियम, पोर्सेलिन, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वे पोर्सेलिन, यानी जिसे चीनी मिट्टी जो बोलते हैं पोर्सेलिन, जो पोर्सेलिन है वो कुछ अलग के रूप में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द करंट फ्लो विद इंक्रीज डायामीटर ऑफ कंडक्टर, यानी इस क्वेश्चन का जो कहना है कि अगर आप किसी चालक का जो डायामीटर अगर इंक्रीज कर देते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अपोज मोर करंट, करंट का ज्यादा विरोध करेगा, मोर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, या अलाउ हाई करंट फ्लो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलाउ हाई करंट फ्लो, क्योंकि अगर उसका डायमीटर बढ़ जाएगा तो उसमें करंट का फ्लो भी ज्यादा होने लग जाएगा, वो ज्यादा करंट को हाई करंट को अलाउ करने लग जाएगा। ऑप्शन नंबर, इसका जो ऑप्शन आंसर सही है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ द सिंगल स्टैंड वायर इज कॉल्ड, यानी सिंगल स्टैंड वायर को अपन क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हुक ऑफ वायर बोलते हैं, ट्विस्टेड वायर बोलते हैं, वायर पेयर या फिर मल्टी स्टैंड वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हुक अप वायर। क्वेश्चन नंबर 10, विच मेटल हैज वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए कौन सा जो पदार्थ है वो अच्छा कंडक्टिव है, यानी विद्युत का सुचालक है। तो सबसे ज्यादा सुचालकता यहाँ पे अपने सिल्वर को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज यूज फॉर कंटिन्यूटी चेकिंग, कंटिन्यूटी चेकिंग के लिए इनमें से कौन सा मीटर काम में आएगा। तो ऑप्शन है ओम मीटर, ओम मीटर क्या करेगा, प्रतिरोध मापने के लिए, अमीटर करंट मापने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने के लिए और मल्टीमीटर अपने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ये सारा काम कर सकता है और इसके अंदर कंटिन्यूटी टेस्टर भी होता है जिसकी मदद से अपन कंटिन्यूटी का जो बजर होता है उस पर सेट करके
पॉइंट को और अपन कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज हैविंग इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, तो वो प्रोटॉन के अंदर होता है, ना प्रोटॉन एक खुद में एक कण, न्यूट्रॉन नहीं, एटम जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एटम, क्योंकि एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, इनमें से सेमी कंडक्टर मटेरियल का एग्जाम्पल कौन सा है, ये जो दिए गए पदार्थ हैं इनमें से कौन सा सेमी कंडक्टर है, तो यहाँ पे कॉपर ना ये चालक है, ये भी चालक है, गोल्ड और रबर एक कुचालक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या है एक सुचालक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन मॉड्यूल 3 करेंगे फर्स्ट सेम का, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।